हमारे साथ है लगातार डॉट इन के सीनियर रिपोर्टर सौरभ शुक्ला। इनसे बात करते हैं कि स्वास्थ्य महकमे में क्या गतिविधियां रही। अब बिल्कुल देखिए नीलय, आज की सबसे बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो आज झारखंड को 5,30,430 डोज कोविशील्ड वैक्सीन के प्राप्त हुए हैं। और इसको लेकर के जो राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी है उन्होंने सभी जिलों के सिविल सर्जन को एक आदेश जारी किया है, कल यानी कि 24 जुलाई तक वो सभी सिविल सर्जन अपने अपने जिलों में जो टीका है वो लेकर चले जाएं ताकि जो टीकाकरण का जो महाअभियान है ये सुचारू रूप से चल सके। हालांकि गौर करने वाली बात है कि लगभग 10 दिनों से भी अधिक समय से ज्यादा बीत गया था और राज्य में टीकाकरण कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ था। और जिस तरीके से हेल्थ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि यदि कोरोना के संभावित तीसरे लहर को यदि रोकना है तो राज्य के लोगों को अधिकांश टीकाकरण के इस महाअभियान से जोड़ना पड़ेगा। तो ये एक राहत देने वाली खबर पूरे सूबे के लिए है कि जो 5,30,000 जो डोज राज्य को प्राप्त हुआ है कोविशील्ड का, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोविड के टीकाकरण के अभियान को और तेज करेगा। यानी कि अब जो टीकाकरण से लोग वापस आ रहे थे अब उनकी निराशा जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के ही डोज लगभग खत्म थे। राजधानी रांची तक में दिक्कत हो रही थी, तो अब लोगों को क्या ये किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी ये माना जा सकता है? बिल्कुल देखिए, ये अंदेशा जाहिर कर किया जा सकता है कि अब परेशानी नहीं होगी। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो आज रांची के शहरी क्षेत्र में मात्र एक जगह पर ही टीकाकरण हुआ है और वो है कचहरी चौक स्थित जो बंदोबस्ती कार्यालय है, वहां पर महज 50 लोगों को ही टीका आज दिया गया है। तो कल से ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में टीकाकरण का जो रफ्तार है वो तेज होगा और आने वाले समय में भी और भी जो टीके हैं वो केंद्र के द्वारा राज्य को भेजे जाएंगे। जी, इसके अलावा और क्या विभाग में रही गतिविधि? देखिए, एक बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो अभियान निदेशक, तत्कालीन अभियान निदेशक थे रविशंकर शुक्ला, उन्होंने एक आदेश जारी किया था 5 जून को कि झारखंड में जो भी लोगों की कोरोना से मौत हुई है और न केवल कोरोना बल्कि जो अन्य बीमारियों से जो लोगों की मौत हुई है इसका डेथ ऑडिट कराया जाएगा और ये ऑडिट महज एक सप्ताह के अंदर करके विभाग को प्रतिवेदन सौंप देने का आदेश दिया गया था। बावजूद इसके 47 दिन बीत गए और अब तक झारखंड में जो भी कोरोना से लोगों की मौत हुई है इसकी जानकारी अब तक विभाग के पास नहीं पहुंची है। और इसको लेकर के अभियान निदेशक ने जिले के सभी उपायुक्तों को यह निर्देश दिया था कि वो अपने अपने जिले के डेथ ऑडिट के लिए कमेटी का गठन करें और इसमें जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को इस ऑडिट के लिए अध्यक्ष बनाया गया था। और आज जब रांची जिला के जो प्रतिरक्षण पदाधिकारी हैं डॉक्टर शशिभूषण खलखो, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी लोगों के नाम की जो है वो व्यवस्थाएं किए जा रहा है कि कौन कौन से लोगों की मौत हुई है और इसके बाद फिर एक डाटा का एंट्री बनेगा, परिजनों से बातचीत होगी और उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार होगा। और जो डेथ ऑडिट जो करना था वो 1 अप्रैल से लेकर 21 मई के बीच का डेथ ऑडिट करना था। और इस मौत के आंकड़े की अगर एक बार हम अपने तमाम सारे दर्शकों को जानकारी दे दें कि कुल 3646 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, ये बड़ी सवाल झारखंड में, बिल्कुल ये 3646 लोगों की मौत ये सेकेंड वेव के दौरान हुई है, वो भी 1 अप्रैल से 21 मई के बीच का है। और यदि हम राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक राजधानी रांची में 1221 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। हालांकि अन्य बीमारियों से कितनी मौतें हुई हैं जब तक पूरी तरह से ऑडिट नहीं हो जाता है तब तक ये साफ नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि इन दिनों पूरे देश भर में कोरोना से मौत के मामले पर सियासत शुरू हुई है और ये जो लेट हो रहा है ये कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने भी मांग किया था कि जो भी लोगों की मौत हुई है इसका ऑडिट कराया जाए। बावजूद इसके जब अभियान निदेशक ने यह आदेश जारी किया तो आखिरकार 47 दिन क्यों लग रहे हैं? चल, बिल्कुल, तो ये सवाल तो है, लेकिन एक राहत बड़ी खबर ये है कि अब लोगों को जो टीका है वो मिल सकता है क्योंकि काफी संख्या में यहाँ पे डोज अब झारखंड पहुंच चुका है। तो ये खबरें थी स्वास्थ्य की, और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमारे वीडियोज और हमारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार डॉट इन के साथ।